यह वर्ल्ड वॉर टू की बात का यूनाइटेड स्टेट्स, एक डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट कंट्री जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, और ये है सोवियत यूनियन या कि यूएसएसआर जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है। दोनों ही देश वर्ल्ड वॉर टू के बाद सुपर पावर्स की श्रेणी में सबसे आगे हैं, बट दोनों ही देशों की आइडियोलॉजीज भी काफी डिफरेंट है, और ये दोनों ही देश चाहते हैं कि इनकी आइडियोलॉजीज पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। और ऐसा करने के लिए इन दोनों ही देशों के लीडर्स इकॉनमी, एस्पियोनाज, मिलिट्री माइंड और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेंगे पूरे कोल्ड वॉर के दौरान। कोल्ड वॉर को एक चेस के गेम की तरह समझिए, जहां दो बड़े प्लेयर्स यूएस और यूएसएसआर अपने एलाइज की मदद से प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे हैं दुनिया के हर एक कोने में अपनी आइडियोलॉजीज को फैलाने के लिए। कोल्ड वॉर की कोई फिक्स स्टार्टिंग डेट नहीं है, दोनों ही पावर्स के बीच टेंशंस वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ही चालू थे, बट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने 1946 में पूरी दुनिया के सामने अपनी स्पीच में कोल्ड वॉर की सिचुएशन को एक्नॉलेज किया। From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. कोल्ड वॉर के फर्स्ट फेज की शुरुआत होती है ठीक वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जब सोवियत यूनियन ने कई ईस्टर्न यूरोपियन देशों को फोर्सफुली कम्युनिस्ट बना दिया। ये कम्युनिस्ट स्टेट्स एक बफर का काम करते थे यूएसएसआर और यूएस एलाइज के बीच। इसके बाद यूएसएसआर और यूगोस्लाविया की मदद से कुछ ग्रीक कम्युनिस्ट ने एक रेवोल्यूशन की शुरुआत करी ग्रीक के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बट ग्रीस की गवर्नमेंट इस रेवोल्यूशन को सप्रेस करने में सक्सेसफुल रही ब्रिटेन और यूएस की हेल्प की मदद से। ग्रीस में मिली हार के बाद कम्युनिस्ट ने चेकोस्लोवाकिया में एक कम्युनिस्ट रिजीम को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, और इसमें वो सफल भी हो गए, जिसके बाद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को कम्युनिज्म की चपेट से बचाने के लिए यूएस ने मार्शल प्लान और ट्रूमन डॉक्ट्रिन का सहारा लिया, जिसके थ्रू यूएस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ उन्हें एक्सटर्नल एग्रेशन से भी प्रोटेक्शन देता था। इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने उसी साल एक पैक्ट को भी साइन किया ब्रसल्स में, जिसे ब्रसल्स पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1949 में इस पैक्ट ने नेटो का रूप लिया, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिज्म से खुद को बचाने के लिए कई यूरोपियन देशों ने नेटो को ज्वाइन किया। नेटो के सभी मेंबर स्टेट्स यूएस के डिफेंस और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की वजह से किसी भी तरह के सोवियत अग्रेशन से सेफ थे। यूएस और उसके एलाइज के लिए सब कुछ सही ही चल रहा था, तभी 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, और फिर उसी साल यूएस और उसके एलाइज को दूसरा झटका तब लगा जब चाइना में एक कम्युनिस्ट टेकओवर हुआ माओ ज़ेडोंग की लीडरशिप के अंडर, जिसने चाइना को एक कम्युनिस्ट देश बना दिया। अब इससे पहले कि हम कोल्ड वॉर के दूसरे फेज में घुसें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोस बनाने का। अब शुरुआत करते हैं कोल्ड वॉर के दूसरे फेज की, जिसमें कोल्ड वॉर का थिएटर यूरोप से हटकर ईस्ट एशिया में शिफ्ट हो जाता है और शुरुआत होती है कोरियन वॉर की। यूएसएसआर से हथियार और ट्रेनिंग लेने के बाद नॉर्थ कोरियंस निकल पड़ते हैं कोरिया को यूनिफाई करने फोर्सफुली। इस एग्रेशन को देख यूनाइटेड नेशंस एक फोर्स तैयार करता है जिसमें टोटल 21 कंट्रीज योगदान देती है, बट मेजॉरिटी ऑफ फोर्स जो थी वो यूएस सोल्जर्स से बनी हुई थी। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकन ने यूनाइटेड नेशंस का बैनर यूज करके साउथ कोरियंस की हेल्प करी नॉर्थ कोरियन कम्युनिस्ट के खिलाफ। इस यूनाइटेड नेशंस के कोलिशन फोर्स ने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करा और नॉर्थ कोरियंस को वापस नॉर्थ में ढकेल दिया, और धीरे धीरे नॉर्थ के अंदर भी मार्च करने लगे, जिसे देखकर चाइना इंस्टिगेट हो गया और चाइना ने एक वॉलंटियर फोर्स खड़ी करी नॉर्थ कोरियंस की हेल्प करने के लिए, और अपने नॉर्थ कोरियन एलाइज और सोवियत यूनियन के साथ मिलकर इसने भी एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करा और फिर साउथ में घुसने लग गए। ये ऑफेंसिव और काउंटर ऑफेंसिव का खेल 2-3 सालों तक चला, और फाइनली जब दोनों ही देश अपने अपने इनिशियल बॉर्डर्स पे वापस आ गए, तब दोनों ही स्टेट्स ने एक आर्मिस्टिस साइन करा कोरियन वॉर को एंड करने के लिए 1953 में। इसके अलावा वियतनाम भी ऐसी एक सिचुएशन से गुजरा जहां नॉर्थ वियतनाम को कम्युनिस्ट ने सपोर्ट किया और वहीं साउथ को यूएस ने, और 1975 में फाइनली कम्युनिस्ट ने जीत कर वियतनाम को यूनिफाई कर उसे एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया। इन सब प्रॉक्सी वॉर्स के बीच ईस्ट और वेस्ट फिलहाल एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस में भी इंडल्ज थे। 1952 में इवन ब्रिटेन ने भी न्यूक्लियर वेपन्स अक्वायर कर लिए, जिसकी बदौलत अब वेस्टर्न ब्लॉक के पास दो ऐसी कंट्रीज थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। इस आर्म्स रेस का इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा कोल्ड वॉर के थर्ड फेज में, बट उसकी बात करेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो।